सामने बिल्कुल, सेफ्टी बॉल है 12 किलोमीटर की। अच्छा बॉल है, चाहिए बॉल 12 किलोमीटर बाउंड्री वॉल। ये देखिए दीवार से देख रहे हैं ना, 12 किलोमीटर में उधर तक जा रही है पहाड़ को। यही यही तो है, इकट्ठा हो गया, इसको स्टोर कर लिया। सीढ़ियाँ क्यों बना दी, किस लिए कि अपना पर्सनल होगा तो एक कुआं तो एक आदमी कभी भी निकाल लेगा पानी, ये तो पूरी पब्लिक के लिए था, तो इसलिए कहीं से भी 20-50 लोग एक साथ जाकर के पानी ले सके सकते हैं, इसलिए इसका ऐसा स्क्वायर में बना देते। ये पन्ना मीणा का कुंड है, मीणा लोग यहाँ पर पहले जो राज करते थे उनका कुंड है, तो यहाँ पर आज रास्ते में भी पहले से आएगा उनका, मैं आपको दिखाऊंगा। और जानवी कपूर वाली मूवी उसकी शूटिंग इधर, धड़क मूवी की, ईशान कक्कर इधर पानी में कूदता वो, कई पिक्चरों की ये वाली धड़का तो ज़्यादा। आमेर फोर्ट, ये देखो पुराना पैलेस मीणाओं का, ठीक है। यहाँ पे 1000 साल पहले कुछ का नहीं सजा, उन्होंने मीणाओं को टेक ओवर किया। पहला राजा सूर्यदेव, 2500 नंबर का राजा मान सिंह फर्स्ट, जिसने सामेर किले को बनवाया। एंट्री करायची ये देखिए, जो मैंने आपको रास्ता दिखाया था एलिफेंट विलेज से हम लोग आए, हाँ, वो वाला रास्ता उधर से, और ये मैंने फोर्ट दिखाया था आपको, तो राजपूत उधर से आए 1000 साल पहले, मुगल भी उधर से है। ये जो तोपे रखे ना, इससे की तोपे लेकर आते, तोपों का फायदा उठा करके उन्होंने जोधा की शादी अकबर से करनी पड़ी थी। जोधा का असली नाम था हरका बाई, अकबर ने नाम रखा जोधा बाई, असली नाम हरका बाई था, क्योंकि राजा मान सिंह उस जमाने की जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से किसकी शादी करी। आज के टाइम में लोग समझते क्यों मतलब शादी करी, क्यों रिलेशन किया, पब्लिक को बचाने के लिए शादी करी, करना जरूरी था। तो मान सिंह इस किले को बनाने वाला, शुरू करने वाला पहला राजा 1592 में। मान सिंह से लेकर के जयसिंह सेकंड तक यहाँ पर 6 राजा हो, आखिरी राजा जयसिंह जिसने जयपुर शहर को बसाया, जंतर मंतर बनाया, मैंने आपको बताया था बहुत खास राजा था। यहाँ से जयपुर शहर क्यों गए, क्योंकि औरंगजेब ने इस किले को अपने अधिकार में ले लिया था करीब 6 महीने तक। 6 महीने के पीरियड में इस बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुँचा, 6 महीने बाद में राजा जयसिंह ने वापस ले लिया इस किले को, तो बिल्डिंग कुछ बच गई है।
सामने वाली जगह हॉल ऑफ पब्लिक, राजा का दरबार यहाँ पर लगता था, पब्लिक की जनसुनवाई यहीं पर होती थी। होली, दिवाली, तीज, गंगो, दशहरा सारे फेस्टिवल यहीं सेलिब्रेट होते। जो लोग राजा के लिए काम करते थे वो पीछे से आते थे, जिनको राजा परमिशन देता था वो इस गेट से जा सकते थे, ठीक है। तो राज परिवार इसमें अंदर रहता था। जिस गेट से हमारे इसको बोलते हैं सिंगापुर लॉयन गेट, ये वाला जो गेट है ना जी, उससे पास में लगता है कि दरवाजे बंद है, पीछे के इधर किचन है रॉयल फैमिली का, सामने वाला डाइनिंग हॉल है। ये डाइनिंग हॉल है सामने वाला, और बिल्कुल सामने जो मेन एंट्रेंस है इसको बोलते हैं गणेशपुर। गणेश जी की पेंटिंग है, ओरिजिनल फर्स्ट को पेंटिंग है। जब राजा अंदर जाता था तो रानियाँ ऊपर बैठ कर के, जब खिड़की बनी हुई ना वहाँ बैठ कर राजा का स्वागत करती थी, फूल बरसा करके राजा का वेलकम करती थी। इसमें ओरिजिनल वेजिटेबल गार्डन्स फर्स्ट को पेंटिंग्स हैं सारा। तो ये मेन एंट्रेंस राज परिवार के लिए अंदर जाने के लिए। उससे पास में लगता हुआ एरिया है टॉयलेट, तर्किश बाग, हमाम जिसको बोलते हैं, और सामने ऑफिस है। आइए, पुराने ज़माने में राजा के लिए 27 लोग टैक्स वसूलने का काम करते थे, उसको 27 कचहरियाँ, 27 ऑफिस का नाम दिया गया है। हर ब्लॉक में तीन तीन है, तो आप 9 ब्लॉक हो गए। इधर से आप देखेंगे ऐसे सामने 9 ब्लॉक, ऐसे गिनेंगे तो 3 तो 9 राइट। और ये लेफ्ट वाला राजा का दरबार जो लगता था, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। दो डिजाइनर थे, आइए मैं वहाँ बताता हूँ, क्योंकि आप रिकॉर्ड करो दिखेंगे गाड़ी। राजा ने दो गार्डन बना दिए, सामने वाला गार्डन है, मोहनलाल का गार्डन है। इस गार्डन को केसर कैरी में बोलते हैं, राजा ने केसर उगाने की कोशिश करी थी, सक्सेस नहीं हुई, लेकिन उसका नाम केसर कैरी में रख दी। तो कल बात है, उससे पास में लगते हैं चेयर्स हैं, वो सामने लाइट एंड साउंड शो के लिए, शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है। और लेफ्ट में आप देख रहे हैं जो पब्लिक आ रही जा रही है, वो दलाराम का गार्डन है। दोनों गार्डनों के जो बीच पर लेक है, लेक का नाम है माउंटा। पुराने ज़माने में इस लेक का पानी पैलेस के लिए काम में आता था। ये दीवार है जो मैंने आपको बताया कि 12 किलोमीटर में सेफ्टी वॉल, और वॉल के ऊपर टावर्स। लास्ट ईयर सलाह शीश महल होगी यहाँ पर। मिनर पैलेस, जस मंदिर, जयसिंह पैलेस, विंटर पैलेस, मैनी नहीं। आप वीडियो बना लो और फिर मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो राजा जयसिंह के दो रानियाँ थी, दो रानी के लिए दो बेडरूम, मानसिंह के 12 रानियाँ, उनके लिए 12 बेडरूम। वो अंदर है, बाद में चलेंगे, पहले दो वाली के कार्य बता देता हूँ। एक का इधर, दूसरे का उधर, बीच में राजा का। पूरे एरिया को कवर कर देते थे, अंधेरा हो जाता था, दिए जलाते थे, दिए के लोग ऊपर जाते तो ऐसा लगता था आकाश, आकाश में तारे टिमटिम मारो। आप अपने मोबाइल की टॉर्च यूज़ करेंगे तो दिखेगा आपको, मैं मेरे से दिखा देता हूँ। देखो आप तो ऊपर देखो, नजारे देखो आप तो ऊपर देखो, तारे देखिए आप बिल्कुल है सर, देखो आप देखो, ये तो मैं दिखा देता, लाइट शुरू झाली नहीं, मस्त दिसतो किल्ल्याला बाहेरून लाइटिंग केलेलं आहे।
वो विंटर पॅलेस आहे, समर पॅलेस. समर पॅलेस, ओके. देखिए ये पूरा सुपरमंदिर इस कोने से लेकर के उधर तक का पूरा एरिया, तो जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ना, ओरिजिनल पेंटिंग्स थी पहले, लेकिन औरंगजेब ने सारा साफ करवा दिया तो दोबारा गवर्नमेंट रीपेंट करवा दिया अभी है. तो यही वेंटिलेशन एयर कंडीशन के लिए. आगे चलिए, मैं आपको एयर कंडीशन में. ये सबसे पुराना एरिया मानसिंह महल, राजा मानसिंह का, उसने अपने लिए बनवाया एक रूम इधर एक ऊपर, बाकी रानियों के लिए 12 रानियों के लिए 12 रूम्स. पेंटिंग्स हो रही सब थी, बड़ा सही कर दिया, दोबारा गवर्नमेंट करवा दिए क्योंकि औरंगजेब ने पूरा साफ करवा दिया. सीलिंग जैसे हमने सिटी पैलेस में देखी ना, उससे कि गोल्ड छोटे रूमों के लिए पहले बिजली नहीं थी तो सर्दी नहीं लेते पावर इथं सगळं हे राणी महल, म्हणजे राण्यांचे रूम्स होते पूर्ण 12 रूम्स. इकडं 3, इकडं 3, इकडं 3 आणि इकडं 3.